हेलो फ्रेंड्स, वाई में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2024 के लिए, ठीक है दोस्तों, 33 सेट नंबर जो कि 1200 में 100 प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करेंगे। सब कम समय में बेहतरीन तरीके से तैयारी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं दोस्तों, ठीक है। सवाल नंबर एक स्क्रीन पे सामने आपके आ चुका है। निम्न में से कौन सा शून्य मतलब शून्य को नहीं दर्शाता है दोस्तों। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर देखें तो जीरो का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो होगा, एक का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो होगा, दस में से दस घटेगा फिर दो से भाग करेंगे यानी जीरो में से दो से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन दो में हम जीरो से भाग कर देते हैं दोस्तों, तो उसका मतलब होता है अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित जिसका कोई हल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, स्क्रीन पे आपके सामने पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो यह एक सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन जो है किस प्रकार दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर, बिहार, केरल, राजस्थान, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि केरल, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा दोस्तों। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बोहर ने, ठीक है, बोहर ने, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, 1 किलो वाट, ठीक है दोस्तों, किसकी इकाई है दोस्तों। ऑप्शन जो है किस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी यानी ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है दोस्तों, भारत में, ठीक है, प्रथम रेल टर्मिनल कौन है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की, ठीक है, प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसे जो है कि वृद्धि भी कहा जाता है और जो है कि कायांतरण भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है कि बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी यानी उत्पाद की वास्तविक लागत से कम या उससे अधिक, ठीक है, बाजार के घरेलू के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों। तो ये तो आपको सभी को पता है, गौतम बुद्ध जी हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। अगला सवाल है, ठीक है, माला लुक्स प्रिटी, ठीक है, गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रिटी यूज इन द एबव सेंटेंस। तो दोस्तों इसमें सिनोनिम चुनना है, तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूटिलिटी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। ऑप्शन जो है इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो है किस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, यूरेनियम, ऑप्शन नंबर जो कि बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, वनों के वितरण को दिखाई यानी दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा थीमेटिक, ऑप्शन नंबर जो कि सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, आर्यभट्ट एक थे, ठीक है दोस्तों, आर्यभट्ट क्या थे। ऑप्शन जो है किस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, राजनीतिज्ञ, ठीक है, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ या प्रशासक, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो एक खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। ठीक है दोस्तों, अधिकरण कारक के चिन्ह को पहचानना है। ठीक है, सवाल इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मे और ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसका डायरेक्टली जो है क्या करते हैं दोस्तों, जो कि द्रव्यमान की संख्या में से जो कि परमाणु की संख्या को घटा देते हैं वही आंसर हो जाता है, यानी 32 माइनस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 32 माइनस 16, तो दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा, 16 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, ही ट्रेवल्स खाली स्थान कार। तो अब इसके बीच में सोचना है दोस्तों कि क्या भराएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका इसमें जो है कि बाई भराएगा। ठीक है, वो जो है कि बाई का मतलब होता है के द्वारा, उसने जो है कि कार के द्वारा जो है कि यात्रा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया। ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, ये भी सही आंसर है। ठीक है, उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रति जो कि अधिकार प्राप्त करने कराने के लिए, ये भी सही है। ग्राहकों की शिकायतों का सरल और कम खर्च में ठीक है निपटारा करने के लिए, ये भी सही है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्क्रीन पे आपके सामने, 600 शब्द का कौन यानी कौन सा संज्ञा पद है। ठीक है दोस्तों, 600 शब्द का कौन सा संज्ञा पद है, ऑप्शन जो किस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा कुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों, तो यह जो है कि महानदी पर है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन बायोमास, ठीक है बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर इस प्रकार ऑप्शन जो है कि आपके सामने दिया हुआ है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों ऑप्शन जो कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, त्रिपुरा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है समीकरण वी बराबर यू प्लस ए टी क्या जानकारी देता है। तो दोस्तों यह जो है कि जानकारी देता है वेग समय का एक फंक्शन है, ऑप्शन नंबर जो है कि बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, राजनीति का कभी धर्म से नहीं अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। ठीक है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन कौन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजमार्ग, ऑप्शन नंबर जो कि ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है समुद्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से सही कथन चुने। ठीक है, सही कथन क्या है आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन जो कि इस प्रकार है आपके सामने, तेल पानी में मिल जाता है, ठीक है स्टोन पानी में घुलनशील है, पत्थर पर अपारदर्शी और कांच अपारदर्शी होता है, बहुत गलत है, चीनी पानी में घुलनशील है, और ठीक है दोस्तों इसमें से शुरू शब्द चुनना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीनी पानी में घुलनशील होता है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, यानी भारत का पहला राज्य कौन सा है जो जीएसटी लागू किया। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर
बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, संस्कृत की जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, तत्सम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अगर घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 2 AB, चौड़ाई 3 AC और ऊंचाई जो कि 2 AC है तो उसका आयतन क्या होगा? तो दोस्तों घनाभाकार डिब्बे यानी घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, तो इन तीनों पदों का अगर हम गुणा कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है, इन तीनों पदों का जो है गुणा कर देते हैं तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुणा करने पर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आप लोग करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, आ जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 36, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अवध वेल किसका उदाहरण है दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा परजीवी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रयोग, ठीक है, प्रमुख कारण क्या रहा है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कम कीमत वाली मशीनों का विकास, ये भी सही है, और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो है कि सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने, वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मोटापा, ठीक है, अगर यदि आप वसीय पदार्थ का ज्यादा सेवन करते हैं तो आपका मोटापा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, तो ये जो है कि 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था, ठीक है दोस्तों, 4 अगस्त 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने, तीनों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे जो है कि प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, स्क्रीन पे आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्मचारी रेफरल बीमा योजना, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुण जिस गुण के कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है वह क्या कहलाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रस्थवेदन, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द नाउन अप्लीकेशन इंटू, ठीक है, इंटू इट्स वर्ब फॉर्म, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, एप्लीकेशन, ठीक है, इसमें से चुनना है आपको, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, अप्लाई, ऑप्शन नंबर बी की सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने, फाइंड द सुइटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है दोस्तों, सेक्शन जो है कि दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो है कि एडजेक्टिव आपको चुनना है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अफेक्शन, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका जो मान होता है दोस्तों ये होता है शब्द का सही, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो कि अर्थ होता है, ठीक है, स्नेहमय, ठीक है, स्नेहमय, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने, वृद्धि का सही विलोम क्या होता है? वृद्धि का सही विलोम आपको बताना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, छाया, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल, ठीक है, जिरंड आपको बताना है, आई एम, ठीक है, अवर्ज टू, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसमें हम लोगों का जो है कि ड्रिंकिंग भराएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, स्क्रीन पे आपके सामने, फिल इन द, ठीक है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनिटिव, आपको इन्फिनिटिव चूज करना है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज नॉट इजी
खाली स्थान आल फीफल, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, टू बी प्लेड, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी अधातु है, और धातु बताना है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एफ अधातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त का उच्चारण होता है, तो दोस्तों त का उच्चारण क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो त का उच्चारण होता है, ठीक है, दांत से, ऑप्शन नंबर जो की बी विल बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अरावली, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों, तो इसका जो कि शुरुआत जो कि 21 जनवरी 2004 को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, हिमालय की सर्व यानी हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे जो है कि शिवालिक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, एक आदर्श ईंधन वह है जो, ऑप्शन दिया हुआ इस प्रकार आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो सस्ता हो ये भी सही है, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो ये भी सही है दोस्तों, उच्च उसमें मान वाला हो ये भी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 37, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है बहुउद्देशीय नदी घाट परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किसने कहा था, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, कौन सी गैस मुक्त करते हैं दोस्तों, ऑप्शन जो इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, ठीक है, तो यह जो है कि घास का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, एंड पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट के द्वारा, ठीक है, शर्करा का एक एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे जो कि पिरोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिमी मानसून में हवा किस ओर से बहती है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, समुद्र से भूमि की ओर, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो उसमें टोटल जो कि 29 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलें, तो दोस्तों आप इसको कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, ठीक है, तो दोस्तों हम इसका जो कि डायरेक्टली यानी देखिए क्या किया जाता है, 9.8 किलोग्राम केजी में दिया हुआ है, इसको ग्राम में बदलना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे कि 1000 से गुणा कर देंगे, तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है कि ऑप्शन नंबर यानी ओम होता है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है भरपेट में कौन सा समास है दोस्तों, ठीक है, भरपेट में कौन सा समास है ये आपको बताना है, तो दोस्तों इसमें अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कवित्री, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो और चेचक रोग होता है दोस्तों, ठीक है, तो
दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विषाणुओं यानी वायरस के संक्रमण के कारण, ऑप्शन बड़ी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों राजस्थान है, ठीक है। और वही जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, पौधों में जल का परिवहन होता है दोस्तों, ठीक है। तो पौधों में जल का परिवहन जो कि जाइलम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म, ठीक है, अफेक्शन। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी अफेक्शन मेलेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथेन यानी जिसको सी एच फोर के नाम से जाना जाता है, मिथेन सी एच फोर में किस प्रकार का बंध है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, एकल बंध है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्लुरल फॉर्म ऑफ द वर्ड थीम, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, तो दोस्तों ऑप्शन जो है इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के अनुसार, मतलब ये नियम के चलते हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसा न्यूटन के किस नियम के अनुसार चलते हैं, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति के प्रथम नियम से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में यानी प्रचुरता में पाया जाता है, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नींबू में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिधि शब्द का समानार्थी है यानी क्या होता है दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों इसे जो है कि परिमाप बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा, महानदी, कावेरी, गोदावरी, इस प्रकार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने फारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी 10 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो यदि आपको आता है तो आप लोग जो कि आंसर कमेंट कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यह √2 गुना हो जाएगा, ठीक है, अंडर √2 गुना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारियों के लिए किया जा सकता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, विद्युत इंजन में, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान है, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यानी -273 यानी -273.15 डिग्री सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक, ठीक है, ऊष्मा प्राप्त करता है, इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संवहन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है दोस्तों, क्या होता है, तो इसमें जो कि ब्यूटेन होता है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 88 है किस अम्ल में यानी किस अम्ल से दूध में खट्टापन हो जाता है, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो यह जो है कि लैक्टोबैसिलस नाम है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल जिसको नाम से जानते हैं, ठीक है, लैक्टिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, यानी 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की
कितनी प्रतिशत जो कि क्वेश्चन सुन लीजिए दोस्तों, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी है। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 75%, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदे सार्वजनिक ठीक है मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है जो है कि अमोनिया, ऑप्शन नंबर जो कि ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने लॉफिंग गैस है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है, तो नाइट्रस ऑक्साइड भी तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तो आपको ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सीट होने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, यानी प्रतिक्रिया में क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सीट होने की प्रतिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, तो उसमें जो कि अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे यानी जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या समलोतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियों सम्मिलित की जा सकती है, यह विशेषता क्या कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है जो कि प्रत्यावस्था कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ यानी स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है, 50%, 25%, 0% या 75%, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने ताप के मापने की, ठीक है दोस्तों, ताप के मापने की इकाई है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्सियस। अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है, अगर देखें दोस्तों तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, CU के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने, निम्नलिखित में से ठीक है दोस्तों, किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम ठीक है होती है दोस्तों। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पिटवा इस्पात में, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने बिहार पुलिस एग्जाम्स के लिए 100 में 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को सिर्फ एक बार देखने ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं। ठीक है दोस्तों, कौन क्वेश्चन कहाँ से मिलता है, बहुत कम समय बचा है, आप लोग वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ऑटोमेटिक जो उनकी याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को अच्छा वीडियो लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।